कविता और मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। इस वेजिटेबल पुलाव को मैंने दूध से बनाया हुआ है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपको ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब दूध से वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए कुकर में मैं 2 से 2.5 चम्मच के करीब घी ऐड करूंगी और घी को हम अच्छा सा गर्म होने देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम करके रखा हुआ है और पुलाव बनाने के लिए आप घी का ही यूज़ करें। अगर आप घी के अंदर पुलाव बनाएंगे तो आपके पुलाव का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करूंगी, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल, मैंने ये 3 से 4 लवंग और 3 से 4 मैंने ये काली मिर्च ली है और 2 छोटी इलायची ली है, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी और मैंने 1 सूखी लाल मिर्च ली है। अब इन सबको घी में अच्छे से मिक्स करके मैं कुछ सेकंड के लिए पका लूंगी कि घी के अंदर सारे साबुत मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये जो साबुत मसाले हैं, इसका पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आप पुलाव बनाएं तो ये साबुत मसाले जरूर ऐड करें। अब हमारे साबुत मसाले भी घी में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने ये 7 से 8 किशमिश और 7 से 8 काजू लिए हैं, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी और इसे भी हम घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसालों को फ्राई करते समय आप गैस का फ्लेम मीडियम करके रखें। अब काजू और किशमिश भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैंने एक ऑनियन लिया है, ऑनियन को मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे भी हम घी में अच्छे से मिक्स करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑनियन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज का पटेटो लिया था, उसे मैंने इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है। कॉलीफ्लावर के मैंने ये फ्लोरेट लिए हैं, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। 4 से 5 मैंने फ्रेंच बीन्स लिए थे, उसे भी मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। और एक मीडियम साइज का कैरेट लिया था, कैरेट को भी मैंने इस तरीके से सर्कल में कट कर लिया है और थोड़े से कैप्सिकम को भी मैंने कट करके रख लिया हुआ है। आप अपने पसंद के अनुसार वेजिटेबल पुलाव के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। वेजिटेबल को अभी हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि जब हमारा पुलाव कुक होगा तो वेजिटेबल भी उसके साथ कुक होंगे। और इसके अंदर मैं ये ग्रीन पीस ऐड करूंगी और ग्रीन पीस को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने ये 1 बाउल के करीब पुलाव वाला राइस लिया हुआ है, आप नॉर्मल राइस भी यूज कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप चाहे तो राइस को पहले से भी भिगो के रख सकते हैं, पर मैं इसे बिना भिगोए ही बनाने वाली हूँ। अब इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब मैंने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे मैं ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अगर आपको नमक का अंदाजा नहीं मिलता है तो आप सारी सामग्रियां डालने के बाद तब आप नमक इसके अंदर ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस जो है अच्छे से वेजिटेबल और मसालों में मिक्स हो चुका है और आज हम जो पुलाव बनाने वाले हैं वो पुलाव हम दूध से बनाने वाले हैं। तो मैंने जिस बाउल से राइस लिया था उस बाउल से ही मेजर करके मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी, आप देख सकते हैं।
मैंने ये एक बाउल के करीब दूध लिया था और हाफ बाउल के करीब इसके अंदर मैं वाटर ऐड करूंगी। ये मैंने हाफ बाउल के करीब वाटर लिया है, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क और वाटर इसके अंदर हमें इतना ही ऐड करना है कि हमारा जो राइस और वेजिटेबल है वो डीप हो जाए। आप इसके अंदर ज़्यादा वाटर और मिल्क ऐड करेंगे तो आपका पुलाव जो है एकदम खिला खिला नहीं बनेगा। अब हमारा जो दूध है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। दूध डालने से हमारे पुलाव का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। अब कुकर का ढक्कन हमने बंद कर दिया हुआ है और गैस का फ्लेम मीडियम करके रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें एक सीटी आने तक इसे बस पकाना है। एक सीटी आ चुकी है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे ओपन करेंगे। अब हमारा कुकर जो है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, ढक्कन का हम ओपन कर लेंगे। अब स्टीम को हम पूरी तरीके से निकल जाने देंगे। अब स्टीम पूरी तरीके से निकल चुका है, अब हम इसे स्पून से इस तरीके से कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पुलाव का जो राइस है पूरी तरीके से अलग अलग है, एक दूसरे से चिपका नहीं है। अब इस पुलाव को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे रायते के साथ। फ्रेंड्स, अब हमारा वेजिटेबल पुलाव बनके रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।